नमस्कार। अगर आपके कुंडली में गुरु ग्रह खराब हो जाएं, तो तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। पहली चीज तो पेट का मोटापा आपका हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। यदि आप स्त्री हैं तो मान के चलिए वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। किसी ग्रह के चलते यदि आपका विवाह हो भी गया तो विवाह हो जाने के बाद तरह तरह के कलेश घर में होते रहेंगे। संतान सुख में कमी आएगी, धन की हमेशा कमी लगातार घर में बनी रहेगी, यानी कि सुख समृद्धि किसी भी प्रकार की आपके घर में नहीं आएगी। अगर कुंडली में नीच का बृहस्पति बैठा हुआ है तो ये समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी। ऐसे में बृहस्पति को मजबूत करना, गुरु देवता को मजबूत करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जिनका गुरु कमज़ोर होता है उनको कभी भी सही गुरु नहीं मिल पाता है। वो कितना भी खोज कर लें, उनको जो गुरु मिलते हैं वो गुरु घंटाल ही मिलते हैं, उनको ठगने वाले मिलते हैं। सही गुरु की कृपा आपको नहीं प्राप्त हो पाती। तमाम प्रकार की दिक्कतों से बचने के लिए आप दो तीन उपाय में से जो आपको सहज पड़े वो आप करिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ दिखाई पड़ेगा। अगर कुंडली में बृहस्पति खराब अवस्था में है, नीच अवस्था में है, पाप कर्तृ योग में है, डिग्री वाइज कमज़ोर है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि प्रतिदिन मस्तक पर केसर का टीका लगाने की आदत डालें। केसर, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें और उसका आप टीका करें। पहला उपाय तो ये हो गया। मान लिया बहुत से लोग टीका नहीं लगाना चाहते हैं, तो दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि प्रतिदिन बृहस्पति के निमित्त उनके मंत्रों का जप 108 बार रोज करें। इससे भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, स्त्रियां इस मंत्र का जरूर जप करें यदि कुंडली में बृहस्पति खराब है। तीसरा उपाय यह है कि यदि हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन केला आप न खाएं। केले के पेड़ के नीचे एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे आर्थिक समस्या भी दूर होती है और घर की नकारात्मकता भी दूर होती है। सुख समृद्धि के साथ साथ धन वैभव सुख शांति सब कुछ घर में आ जाता है। जो उपाय आपको आसान पड़े जरूर करिएगा। निश्चित तौर पे बृहस्पति देव की अपार कृपा आपको शीघ्र ही मिलना शुरू हो जाएगी। अंतिम उपाय आप यह भी कर सकते हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा आर्थिक और शारीरिक हर प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि हर पूर्णमासी के दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा स्वयं पढ़ें या किसी ब्राह्मण के द्वारा घर पे बुला करके पढ़वाएं। यह उपाय यदि आप करेंगे तो 6 माह के अंदर अंदर गजब का चमत्कारिक रूप से लाभ आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। वीडियो में जय गुरुदेव जरूर लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।